मोदी जी पूछता है भारत नेशन वांट्स टू तो नो आप इतने रिलैक्स कैसे रहते हैं अभी आपको कोई मिले इतने चुनाव के गर्मी के बीच में और आपकी शेड्यूल 2014 से ज़्यादा है 2019 से ज्यादा है 2014 में जब इंटरव्यू की थी आपकी मैंने 9 मई को ही की थी 2014 को और तब आपका गला भी बैठ गया था इस बार गला भी आप यू आर लुकिंग वेरी फ्रेश वेरी रिलैक्स तो अगर टीवी पर लोग मुझे न देखते हैं और आज जिस रूप में आप मुझे देख रहे हैं देखते हैं तो मानते ही नहीं कि मैं मेहनत कर रहा हूँ <laughs> और आजकल कुछ लोग बोल भी देते हैं <laughs> लेकिन जी शायद 2014 में और 2019 से उन्नीस से बजाय जी एक अलग ही माहौल है चुनाव में और उसका एक स्वाभाविक परिणाम मेरे मन पर भी होता है मैं भी इंसान हूँ आखिर कोई तनाव नहीं है, है। कोई इफ्स एंड बर्ड्स नहीं है हाँ। कोई दुविधा नहीं है और मैं गुजरात में इतने साल रहा लेकिन मैंने ऐसे चुनाव नहीं देखे मैं सब चुनाव जीतता था दो तिहाई बहुमत से जीतता था लेकिन इतना और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि चुनाव मोदी निमित्त है जी भारतीय जनता पार्टी की एक व्यवस्था है लेकिन मेरे हिसाब से चुनाव देश की जनता ने अपने कंधे पर ले लिया है और एक प्रकार से मैं जो कहता हूँ मैं जाके कहता हूँ भाई मैं दो चीज़ के लिए आया हूँ एक दस साल देश को आगे बढ़ाने में आपने जो योगदान किया तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ देश आपने आगे बढ़ाया है और दूसरा मैं कहता हूँ कि मुझे आशीर्वाद चाहिए क्योंकि हमें अब इस गति को रुकने नहीं देना जी इस हमें इसको मेंटेन रखना नई ऊंचाइयों को पार करना जी हमें गति भी बढ़ानी है स्पीड भी बढ़ानी है स्केल भी बढ़ाना है और स्कोप का जहां तक सवाल है स्काई इज द लिमिट जो डेफिनेशन है जो बोला जाता है स्काई इज द लिमिट मैं समझता हूँ भारत के लिए उससे भी आगे बहुत कुछ है आ, बहुत बढ़िया मोदी जी आ, अभी इंटरव्यू के लिए चलें चलिए भाई जी, जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपको मिलकर और अपने रिलैक्स लग रहे हैं प्रधानमंत्री जी रिपब्लिक नेटवर्क रिपब्लिक टीवी रिपब्लिक भारत रिपब्लिक कन्नड और रिपब्लिक बांग्ला के सारे दर्शकों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद आज ये मौका मिला है हमें थर्ड और फोर्थ फेज कैंपेनिंग के बीच में आपसे बात करने के लिए तो कोशिश करेंगे जितना कवर करें बट पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपकी इतनी बिजी शेड्यूल में आपने हमें समय दिया है आज आपके सभी दर्शकों को भी और आपकी टीम को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार ये चुनाव हम राजनेताओं के लिए तो दौड़ धूप का होता है लेकिन शायद मीडिया जगत में इसमें भी टीवी मीडिया के लिए तो सबसे ज़्यादा दौड़ धूप का समय होता जी, जी. है लेकिन मुझे अच्छा है कि आपके कई राज्यों से जुड़ी हुई आपकी चैनल होने के कारण जी. मुझे कईयों के साथ एक प्रकार से आज संवाद करने का अवसर मिल रहा है मैं सबको नमस्कार करता हूँ धन्यवाद प्रधानमंत्री जी आ, पहला सवाल यह है कि आपने वेमागिरी आंध्र प्रदेश में और उसके बाद बंगाल में भी आपने कहा है और इस बात को बहुत नोट की गई कि आप जो गरीबों का पैसा जो भ्रष्टाचारियों ने लूटा है आप एक कानूनी सलाह ले रहे हैं कि इसको कैसे वापस लौटाया जाए और ये अगर ऐसी कुछ हो ऐसी कोई स्कीम हो तो शायद दुनिया भर में पहली बार होगा इस पर अगर आप थोड़ा सा डिटेल में हमें ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है और मैं मानता हूं देशवासी भी जानना है क्योंकि पब्लिक मीटिंग में मैं इतना बोल नहीं पाता हूं जी अब जैसे बिहार का मामला है जब लालू प्रसाद जी रेलवे मिनिस्टर थे तो उनका आरोप है कि जिन लोगों को नौकरी दी बदले में जमीन ले ली है अब मामला सीबीआई में चल रहा है मतलब कि प्रूफ सारा अवेलेबल तो मेरा आग्रह रहेगा मैं वकीलों से सलाह रहा हूँ कि जो बच्चे नौकरी पाने के लिए जमीन खोई है अपनी अपनी पैतृक संपत्ति है वो अब मजबूरी में उन्होंने दे दी मैं चाहूंगा कि जमीन उन बच्चों को वापस मिले उसी प्रकार से आपने देखा होगा बंगाल में बंगाल में सरकारी नौकरी की हर भर्ती का रेड कार्ड है रेड कार्ड अवेलेबल है और उनके हर स्तर पर वो पैसा किसको कितना मिलेगा कहाँ जाएगा वो भी बांटी की व्यवस्था है अब जो टीचर्स है जैसे तो कुछ तो जीन्यून है तो उनको मदद करने के लिए ऑलरेडी हमने एक लीगल सेल बना दिया है जिनकी नौकरी चली गई है लेकिन जो बेईमानी से गए जिनके रिकॉर्ड ठीक नहीं थे लेकिन पैसे दिए हैं तो ऐसे हमारे पास बहुत लोग हैं जिनके पैसे का ट्रेल है हमारे पास और पहले भी हम करीब सत्रह हज़ार करोड़ रुपया ऐसे जिनके लूटे गए थे उनको लौटा चुके हैं उन्हीं को उन्हीं को अब केरल में देखिए कोऑपरेटिव बैंक का इतना बड़ा स्कैम अब वो तो मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास फैमिली के पैसे हैं बेचारों ने जिंदगी भर मेहनत करके बैंक में पैसा रखा था ये कम्युनिस्ट पार्टी का वहाँ सारा बैंकों पर कंट्रोल है उन्होंने अनाप शनाप उन पैसों से व्यापार किया पैसे डुबो दिए लूट लिए अब वो उनका क्या तो मैंने इनकी सारी की प्रॉपर्टी अटैच की हुई है इन सारे नेताओं की भी बैंक की भी अब मैं उस पैसे उन गरीबों के जो डूबे हैं लौटाना चाहता हूं तो मैं लीगल एडवाइज लूंगा लेकिन ऐसे कई केसेस हैं जिसमें ट्रेल मिलता है कि हाँ इस आदमी ने इस काम के लिए इनको पैसा दिया तो विक्टिम जो है अक्यूज है दोनों को जाना जाता है हाँ ट्रेल भी है ट्रेल भी है और इसलिए बड़ी आसानी से संभावना है तो अब तक हम अलग अलग बाबत तो विषयों में सत्रह हजार करोड़ में ये देश में नहीं दुनिया में भी शायद पहली घटना होगी सत्रह हजार करोड़ रुपया हम वापस दिए सही और मैं तो चाहता हूँ कि मीडिया ने इसकी चर्चा नहीं की वरना ये इतना बड़ा महत्वपूर्ण विषय है सबसे बड़ा क्योंकि चर्चा ये तो होती ही चोरी होती है जो वो जेल चला गया लेकिन गरीब का क्या मैं गरीब को देना चाहता हूँ नहीं बहुत बड़ी सोच है क्या आपको लगता है तीसरे कार्यकाल में आप ये कर पाएंगे राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा है मैंने किया तो एक सक्सेस स्टोरी है एक्सपीरियंस है लेकिन हर चीज में लीगल एडवाइस लेनी पड़ती है मैं हवा में गोली नहीं चला सकता लेकिन 17000 करोड़ रुपया देने के कारण मेरा विश्वास है कि मैं दे पाऊंगा और दूसरा हमारे पास यानी हमारी एजेंसीज के पास करीब सवा लाख करोड़ रुपए के संप... जमा पड़े हैं जी हुए के होते हैं। तो उनका हक है उनको वापिस मिले प्रधानमंत्री जी अगर आप ये कर पाएंगे तो दुनिया की पहली ऐसी स्कीम होगी और ये बहुत नोट की जाएगी और एक स्टैंडर्ड बन जाएगी एग्जाम्पल बन जाएगी पूरे दुनिया के लिए और एक डर का माहौल भी बन जाएगा कोई अगर करे एक तो।, तो हम तब कर सकते हैं जब हम पर कोई दाग नहीं होता है। हम खुद कहीं इस प्रकार नहीं होते तब बड़ी हिम्मत के साथ हम जाते हैं तो सामान्य मानवी को विश्वास होता है यार मोदी कह रहा है तो जरूर कुछ करेगा और मान लीजिए दस पैसे से उसको आठ पैसा मिला वापिस तो भी इसको लगेगा ठीक है मेरा दो पैसा हम नहीं ले पाए ठीक है आठ लाने के लिए तो मोदी ने मेहनत की ए उसको मैसेज जाएगा जी प्रधानमंत्री जी, प्रधान जी भ्रष्टाचार से जुड़ा मेरा अगला सवाल है कि आप 2014 में आप जब सत्ता में आए तो आपने भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आवाज उठाई थी उसके बेसिस पर आपकी लीडरशिप के बेसिस पर आपके गुजरात के ट्रैक रिकॉर्ड पे बेसिस पर दस साल हो गए हैं प्रधानमंत्री जी अब भी वो लड़ाई क्यों चल रही है पहली बात हम खत्म क्यों नहीं कर पाए इसको दूसरी बात है कि विपक्ष कहती है कि आई इनकम टैक्स सी बी आई और ईडी इनका दुरुपयोग किया जा रहा है और वो चाहते हैं वो कहते हैं कि क्या ये संभव है कि सिर्फ हमारे ही नेता भ्रष्ट हैं क्या बीजेपी के कोई नेता भ्रष्ट नहीं है बीजेपी को सरकार में भ्रष्टाचार नहीं हो रही है तो इस पर अगर आप रिस्पॉन्स कर हमारे देश में चर्चा का रूप कैसे बदलता गया पहले सभी राजनीतिक दल भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलना एक फैशन थी लेकिन करना वही गोरख धंधे और सबके सामने बड़े सफेद दूध जैसे वो दिखाई दे रहा जब से मैं आया हूं तो पोल खुलने लगी है कि ये जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे उन्हीं के हाथ हाथ पैर में गड़बड़ है अब ये चीजें सबूतों के सामने आई है अब उनको लगा है कि हम भी जो उपदेश देते हैं भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए अब दे नहीं पाएंगे तो उनका बोलना बंद हुआ बोलना बंद हुआ तो उनको लड़का है यार पहले तो हम भी भ्रष्टाचार को गाली दे करके अपनी वो कर लेते थे अब वो कर नहीं पा रहे हैं दूसरा कोई मुझे कहे भाई 2014 में मुझसे मीडिया क्या पूछता था कि भाई 2014 में आप भ्रष्टाचार पे इतने आरोप लगा गए आए एक्शन क्यों नहीं दिया मुझे ये पूछा जाता ना एक्शन क्यों नहीं लिया मैं किसी को दु... बदला तो लेना नहीं चाहता था मैं किसी का नुकसान नहीं करना चाहता था लेकिन मैंने सरकार में खुली छूट दी थी कि कानूनन तरीके से जो भी चीजें हैं बारीकी से वेरीफाई कीजिए और अगर मेरी पार्टी का होगा या किसी और पार्टी का होगा पॉलिटिकल होगा या नॉन पॉलिटिकल होगा व्यापारी होगा या ब्यूरोक्रेट होगा ड्रग माफिया होगा कि गन माफिया होगा हम किसी को नहीं छोड़ेंगे ये मैं मेरी अपनी टीम सरकार की सिस्टम को भी मेरे यही वाक्य होते हैं उन्होंने अपना काम शुरू किया और मुझे गालियां सुननी पड़ी थी बड़ी बड़ी बातें करते थे कुछ नहीं निकाला नहीं जैसे एक और मुख्यमंत्री है जो बहुत बड़ी बातें करते शीलाधी जी को कितनी गालियां दी थी कितना बदनाम किया था और मैं व्यक्तिगत रूप से शिला जी का बहुत सम्मान करने वाले व्यक्तियों में से मैं कांग्रेस के नेता जी लेकिन उन पर जो आरोप लगाए और जीवन के आखिरी दिन में जिस प्रकार से उनको बदनाम किया गया मैंने उनको देखा है निकट से मैं बातें गले मेरे नहीं उतरती थी और इसलिए मैं सीरियस था कि भाई रियलिटी क्या है और सरकार में आने के बाद मुझे सुविधा थी हम धीरे 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 करते 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 देखे तो सत्रह में अठारह उन्नीस बाद में धीरे धीरे करके चाहिए अब जब सवा लाख करोड़ रुपया दिखता है आपको अटैच आपको कैश के ढेर दिखते हैं उसके बाद आप कैसे कह सकते हो कि ईडी सीबीआई गलत कर रही है मान लीजिए पुलिस वाले ने किसी को खून से रंगे हुए चाकू के साथ पकड़ा फिर आप कहेंगे कि ये पुलिस गलत है गलत आदमी को पकड़ा है कैसे गले उतरेगा जी देश देख रहा है जी और इसलिए मैं मानता हूं दूसरा मेरा अपना ट्रैक रिकॉर्ड जी इतने साल में रहा आपको याद है मेरे यहाँ अमर सिंह चौधरी लीडर तो अपोजिशन थे जी जी। उनका ऑफिशियल बयान था कि भाई मोदी जी पर हम बाग्यवद सब करेंगे लेकिन हम उन पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा सकते ये लीडर ऑफ तो का और वो एक बार मुख्यमंत्री रह चुके व्यक्ति थे वो सामान्य व्यक्ति नहीं थे उन्होंने ये कहा था कि भाई मोदी जी पर ऐसी बात नहीं कर सकते उनकी सरकार पर भी नहीं कर सकते ये उनका बयान था एक बार गुजरात कांग्रेस के नेताओं ने मुझ पर आरोप लगाया कि मोदी के पास ढाई सौ पैर कपड़े हैं तो उसी दिन मेरी एक पब्लिक मीटिंग थी <laughs> तो मैं पब्लिक मीटिंग में मैंने बोला मैं सुना है कि हमारे कांग्रेस के मित्रों ने मुझ पर आरोप लगाया है कि मेरे पास ढाई सौ पैर कपड़े हैं मैंने कहा उसमें या तो दो गलत है या पांच गलत है अच्छा। लेकिन चलो मान लो मैं तो कहता हूं मैं पब्लिकली कहता हूं कि भाई ठीक है चलो उन्होंने कहा तो मान लेता हूँ मेरे पास ढाई सौ पैर कपड़े हैं अब आप मुझे बताइए कि आपको कैसा मुख्यमंत्री चाहिए जिसके दामाद के पास ढाई सौ एकड़ लोगों की दबाई हुई जमीन है वो मुख्यमंत्री चाहिए कि ढाई सौ पैर कपड़े वाला चाहिए आपको ढाई करोड़ रुपया विदेशी बैंक में